दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजन शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोल रहा हूँ जिसमें कुल 500 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 100 शब्द प्रति मिनट। तो आपसे कुछ ही देर में मैं आपको एक डिक्टेशन बोलूँगा। दोस्तों डिक्टेशन बोलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि डिक्टेशन जो लिखने से पहले आपको क्या करना है। दोस्तों हमेशा डिक्टेशन लिखने से पहले हमें ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो कि बिल्कुल शांतिपूर्ण स्थान हो, जहाँ पे शोरगुल कम से कम हो या ना हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब हम डिक्टेशन लिख रहे होते हैं तो उस समय हमारा माइंड बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए, बोलने वाले की तरफ ही हमारे कान और दिमाग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं शोरगुल हो रहा है और आप डिक्टेशन लिख रहे हैं तो आपका डिस्टर्ब होना स्वाभाविक है। इसलिए बिल्कुल एकदम शांत माहौल को आपको चुनना चाहिए, किसी रूम वगैरह ऐसी जगह देखनी चाहिए जहां बिल्कुल एकदम से शांति हो, शोरगुल ना हो। उस स्थान पर अगर आप डिक्टेशन लिखते हैं तो आपको डिक्टेशन लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी और सारे वर्ड आपकी समझ में एकदम से आएंगे, क्लियर आएंगे। तो इसलिए आपको कम से कम ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहाँ बिल्कुल शोरगुल ना हो। दोस्तों जब आप डिक्टेशन लिखते हैं तब आपके पास में कम से कम 2 कच्ची पेंसिलें छिली हुई होनी चाहिए। एक पेंसिल आपको जब आप डिक्टेशन लिख रहे होते हैं तो आपके हाथ में होनी चाहिए और दूसरी पेंसिल आपकी जो टेबल है उस पर रखी होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर जब आप डिक्टेशन लिखते हैं तो बीच में पेंसिल टूटने का डर रहता है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको दूसरी पेंसिल का सहारा लेना चाहिए। बीच बीच में आपको कोशिश करनी चाहिए डिक्टेशन लिखते समय अगर आपकी पेंसिल टूटे भी नहीं तो पेंसिल उठाने का प्रयास करना चाहिए। जब भी आपको आवश्यकता हो तो आप तुरंत ही उस पेंसिल को उठा करके अपनी डिक्टेशन को अनवरत लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, बहुत ही अच्छा आपको इससे रेस्पॉन्स मिलेगा। और उसके बाद में जब आपकी डिक्टेशन क्लियर हो जाए, डिक्टेशन आप लिख लें सही से, 5 मिनट आपको डिक्टेशन को पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद में ही उसको ट्रांसलेट करना चाहिए। कभी कभी होता है कि जल्दी में आपकी आउटलाइनें गलत बन जाती हैं, कोई वर्ड आपको छूट जाता है तो तुरंत ही आपके दिमाग में आ जाता है, तो उस वर्ड को तुरंत नोट कर लीजिए। चाहे आप शॉर्ट हैंड में लिखें या उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, बाद में उसे अपनी जो इरेजर होती है उससे मिटा भी सकते हैं। दोस्तों जब आपने डिक्टेशन को 5 मिनट पढ़ लिया अच्छे से तो उसको ट्रांसलेट करने में भी आपका समय कम लगेगा और अच्छे से आपका ट्रांसलेट भी हो जाएगा, गलतियां भी आपकी कम से कम आएंगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें हैं। अगर इन नियमों को आप फॉलो करेंगे तो देखेंगे आपको बहुत ही इससे लाभ हो रहा है। तो इसके साथ ही मैं आपको अब 5 मिनट की डिक्टेशन बोलने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी महोदय, आज दुनिया में भारत लोकतंत्र के प्रति समर्पण, युवा आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ अन्य अनेक अच्छी बातों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी के साथ उसकी पहचान इस रूप में भी है कि यहाँ साफ सफाई के प्रति उतनी जागरूकता नहीं जितनी होनी चाहिए। गांव और शहरों के सार्वजनिक स्थलों में गंदगी की समस्या को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही गंभीरता के साथ लिया। तमाम चुनौतियों के बाद भी उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को राजपथ से स्वच्छ भारत का नारा दिया। उन्होंने देशवासियों को महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने की याद दिलाते हुए यह संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया कि वे सप्ताह में कम से कम 2 घंटे सफाई के लिए समय निकालें। उनकी अपील का असर हुआ। राज्य सरकारों के साथ स्थानीय निकायों और सामाजिक संगठनों के अतिरिक्त कॉरपोरेट जगत ने भी स्वच्छ भारत अभियान को अपनी अपनी तरह से गति देनी प्रारंभ कर दी। आज 4 साल बाद यह कहा जा सकता है कि देश का शायद ही ऐसा कोई नागरिक हो जो स्वच्छता अभियान से परिचित न हो।
साफ सफाई के प्रति जागरूकता एक बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि आमतौर पर हमारे देश में लोग सार्वजनिक स्थलों में गंदगी को लेकर बेपरवाह ही दिखते रहे हैं। चूंकि गंदगी के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई लंबी चलेगी, इसलिए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर स्वच्छता ही सेवा के तहत देशवासियों को प्रेरित करने का काम किया। पैराग्राफ, महोदय, स्वच्छता अभियान के बीते 4 साल में कई उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इस दौरान करीब 9 करोड़ शौचालय बनाए गए। वर्ष 2014 में महज 39% आबादी शौचालय का इस्तेमाल करती थी। आज यह आंकड़ा 100% तक पहुंच चुका है। पैराग्राफ, महोदय, स्वच्छता अभियान के कई आयाम हैं। जरूरी केवल यह नहीं कि सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई हो, इसी के साथ सीवर सिस्टम को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। सीवर सिस्टम के अभाव या फिर उसमें खराबी के कारण लाखों लोग नारकीय स्थितियों में रहने को विवश हैं। नियोजित बस्तियां तो अपेक्षाकृत साफ सुथरी दिखती हैं, लेकिन अनियोजित अथवा अवैध बस्तियों में गंदगी का ही आलम नजर आता है। हमारे शहरों की एक बड़ी समस्या कूड़ा निस्तारण की है। कूड़े के निस्तारण का उपयुक्त तंत्र न होने के कारण जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं। स्वच्छ समाज के निर्माण का हमारा सपना तब साकार होगा जब हम अपनी सोच में बुनियादी बदलाव लाएंगे। हम सभी को अपने आप से यह सवाल करना चाहिए। पैराग्राफ, अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सभी राजनीतिक दल किसी न किसी तरह से जनता से दूर हो गए हैं। आज हम और आप दोनों को अपनी जड़ों को फिर से जमाना होगा, जनता से प्रेरणा लेनी होगी। हमें जनता की आकांक्षाओं, उसकी मांगों और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार चलना होगा। अपने विशाल आकार के कारण यह बहुत बड़ा काम है, लेकिन उस आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं जिसने कुछ करने के लिए कमर कस ली हो। कुछ देशों में लोग चढ़ने के लिए पहाड़ों की ऊंची से ऊंची चोटियों पर रहते हैं। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी हमारी 100 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।